I'm standing on this rooftop of Farman Plaza in Chowk Shahida, Mirpur, of the province of Jammu, Azad Jammu and Kashmir, as we describe it and have been describing it since 1947. And I have with me Sahibzada Manzoor Shukranvi, who is an active politician as well as a writer and a poet. And today he's going to recite a creation of his in front of us and for the benefit of the audience worldwide. Janab Manzoor Sahab. Thank you, bahut shukriya. Badi khushi hai, Tanveer Sahab ek vatan prast hain aur sachche vatan prast hain. Aur Raja Tanveer Sahab jis cause pe kaam kar rahe hain, mujhe khushi hui hai. Main ek muddat se inko dekh raha hu ki ye apni lagan mein lage hue hain aur apne vatan ki azadi ke liye jiddojahd kar rahe hain. तो चूंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर पे चूंकि डायरेक्टली पाकिस्तान का कंट्रोल है और पाकिस्तान के जो भी हालात होते हैं वो हम पे असरंदाज होते हैं, हमारी पूरी कौम पे असरंदाज होते हैं और उस वजह से हमारी भी सोच जो है वो पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी कौम के जो दुख दर्द हैं उनमें हम बराबर के शरीक होते हैं और उनकी आवाज़ बनकर मैंने एक ये पोएम लिखी है. उम्मीद है कि आप लोग ये आप लोग बहुत से लोगों की ये तर्जमानी कर रही है और बहुत से लोग इसको पसंद करेंगे. मेरी इस नज़म का उन्वान है, हम सब तो अंधे हैं. हम सब तो अंधे हैं, यूनिफॉर्म से बंधे हैं. कोई हमको समझे अच्छा, कोई बोले ये अंडे गंदे हैं. हम सब तो अंधे हैं, यूनिफॉर्म से बंधे हैं. कोई हो भट्टो या गांधी हो, चाहे तूफान हो या आंधी हो. कोई हो भट्टो या गांधी हो, चाहे तूफान हो या आंधी हो. हम देर सभी को कर डालें, चाहे आका हो या बांधी हो. मट्टी पत्थर लोहा या धरती का पानी हो. मट्टी लोहा पत्थर या धरती का पानी हो. बेच दें चंद सिक्कों में, चाहे अपनी नानी हो. बेच दें चंद सिक्कों में, चाहे अपनी नानी हो. दीन धर्म के मतवाले या हूँ देश के रखवाले. दीन धर्म के मतवाले या हूँ देश के रखवाले. सरे आम फड़का दें देवी जैसी रानी को. खो जाएं बेटे धरती के, कुछ दरियाओं में बह जाएं. खो जाएं बेटे धरती के, कुछ दरियाओं में बह जाएं. सो जाएं कुछ कैंपों में भर्ती के. कोई ढूंढे मस्क ही लाशों को. कोई ढूंढे मस्क ही लाशों को. कोई बांटे कौमी असासों को. कोई ढूंढे मस्क ही लाशों को. कोई बांटे कौमी असासों को. रहे जब सरमाया न अपने पास, आ पहुंचे सब कातिल आस पास. रहे जब सरमाया न अपने पास, आ पहुंचे कातिल सब आस पास. रहे ना समझी ना कोई सास. रहे ना समझी ना कोई सास. मर जाए हर उम्मीद और आस. खुद से बोले सब आंखें हसास. हम सब तो अंधे हैं, यूनिफॉर्म से बंधे हैं. कोई हमको समझे अच्छा, कोई बोले ये अंडे गंदे हैं. हाथ में जिसके हो मुहार. हाथ में जिसके हो मुहार. काना ठहना व्यापारी या हो कोई ठेकेदार. हाथ में जिसके हो मुहार. काना ठहना व्यापारी या हो कोई ठेकेदार. बेटा हो इस धरती का या हो दुश्मन का आलाकार. बेटा हो इस धरती का या हो दुश्मन का आलाकार. हुक्म उसी का मानेंगे, खाक कहे तो छानेंगे. बंदूक वतन परस्तों पे तानेंगे. बत्ते खोर को मामारे को मानेंगे. जब तलक कुर्सी तब तलक बहार. फिर छुप छुप कर बख्तर बंद दिल्लू में. फिर छुप छुप कर बख्तर बंद दिल्लू में. रोते हैं हम जारो कतार. फतूरी तंदूरी कसूरी भी सब. फतूरी कसूरी तंदूरी भी सब. धार धार चिल्लाते हैं, हम सब तो अंधे हैं, यूनिफॉर्म से बंधे हैं. कोई हमको समझे अच्छा, कोई बोले ये अंडे गंदे हैं. हम दिखला कर किसी धोखे को. हम दिखला कर किसी धोखे को. और सुनवा कर शेखे शोखे को. हम दिखला कर किसी धोखे को. और कुन सुनवा कर शेखे शोखे को. और कभी उलझा कर किसी उजले को. फिर बहका कर किसी भोंगे को. फिर उछला कर किसी ओछे को. करते हैं ऐसा खलवाड़.
फिर उछला कर किसी ओछे को करते हैं ऐसा खिलवाड़ के धोखे बाद उचक्के डाकू ऐवानू में बिठला दे के धोखे बाद उचक्के डाकू ऐवानू में बिठला दे लंगड़े बहरे बोंगे बंदर ब्यूरोक्रेसी कहलवाएं लंगड़े बहरे बोंगे बंदर ब्यूरोक्रेसी कहलवाएं माए डायने बाप दलाल माए डायने बाप दलाल भाई जल्लाद बन जाए दज्जाल कोट पहन कर काले इंसाफ रुलाने दनदनाए दज्जाल कोट पहन कर काले इंसाफ रुलाने दनदनाए कोई देख कंदा ना मैयत को फिर भी फैलाएंगे हैयत को कोई देख कंदा ना मैयत को फिर भी फैलाएंगे हैयत को जो भी कहना है कह डालो जो भी कहना है कह डालो मगर बुरा मत कहो हमारी नैयत को क्योंकि हम सब तो अंधे हैं हम सब तो अंधे हैं यूनिफॉर्म से बंधे हैं कोई हमको समझे अच्छा कोई बोले ये अंडे गंदे हैं। ये एक तर्जमानी हम मैंने की है पाकिस्तानी आवाम की पाकिस्तानी पिसे हुए तबके की कि वहाँ जो कुछ हो रहा है हुक्मरान क्या कर रहे हैं इंसाफ के जो कटहरों में बैठे हुए इंसाफ के जो अदालतों में बैठे हुए मुनसिफ हैं उनका क्या किरदार है और ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है और ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है एस्टेब्लिशमेंट को और इन सब लोगों के लिए मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये सब अंधे हैं इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा बहरे हैं मोंगे हैं ये बंदर हैं ये इन्होंने कौम को एक ऐसी दलदल फंसा दिया है एक ऐसी दलदल कि जिसमें से निकलना इस कौम का बड़ा ही मुश्किल हो चुका है क्योंकि ये जो दलदल है जिसको तौसी पसंदाना अजायम कहेंगे हम कि अपनी रियासत की हदूद को छोड़कर अपने चार सूबे जो हैं उनकी हदूद को छोड़कर चार सूबों में बसने वाली आवाम की भूख नंग अफलास उनकी खुदसोजियाँ उनके मसाइल को छोड़कर ये जो दूसरी कौमों में जो दूसरी कौमों के आवाज़ को दबाने के लिए ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी माशरा इस हद तक इस दलदल में धंस चुका है जिससे निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब एंड आई लीव यू विद अ व्यू ऑफ द मंगला लेक with Chakswari Didial and Akalgarh so and so in the background. Thank you very much for watching. Thank you for watching.